ओम शांति मेरा नाम रियान कन्वर है मैं धर्मशाला सिद्धवाड़ी का रहने वाला हूँ मुझे ज्ञान में चलते हुए पाँच साल हो गए दो हज़ार सतारह मैंने ये आश्रम ज्वाइन किया था आश्रम मुझे हम पहले नानी के पास जाते थे कुल्लू में तो वहाँ पे वो ओम शांति का लगाते थे मतलब पीस ऑफ माइंड लगाते थे तो पीस ऑफ माइंड हम देखते थे उनके साथ तो उनके साथ बैठे 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 हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान का अनुभव हुआ वहीं से मैंने धर्मशाला वापस आया अपने नानी घर से फिर मेरे को किसी ने बताया कि यहाँ पे आश्रम है तो मैं यहाँ पे आया फिर मैंने आश्रम का ढूँढा और मैं मम्मी के साथ 2017 नवंबर में मैंने यहाँ पे अपनी पहली क्लास लगाई सात दिन का कोर्स हुआ सब कुछ हुआ और ऐसे करते करते मतलब पहले तो उतना वो नहीं था कि उतना ध्यान नहीं था इसमें फिर धीरे धीरे जाके थोड़ा जब शिवानी बहन वगैरह को सुनने लगे तो पता चला कि ज्ञान की महिमा क्या है और मेडिटेशन से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं एज अ स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिटेशन से हम लोगों को बहुत सारे फायदे मिलते हैं ये कि हमारा कंसनट्रेशन बहुत अच्छा बन जाता है किसी भी चीज़ को लेके अगर हम लोग कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पहले मेडिटेट करना चाहिए अपने जैसे पहले कहीं ना कहीं किसी भी बॉडी के पार्ट में बॉडी के पार्ट की बात करते हैं अगर कहीं पे दर्द हो तो मम्मी बोलते थे कि उस चीज़ के ऊपर पूरा ध्यान कंसनट्रेट करो क्यों हो रहा है वो दर्द और उसको रिलीफ मांगो तो वैसे करते करते हमने थोड़ा सीखा मतलब सीखा तो क्या मम्मी से ही सीखा सब कुछ और फिर यहाँ पे आके दीदी वगैरह से सीखते थे तो वैसे करके हमें पता चला कि मेडिटेशन क्या है तो वैसे ही मैं अपने स्टडी में भी इसको इंक्लूड करता था कि स्टडी के टाइम पर उससे पहले अपने सारे ध्यान को एकत्र करना है अपनी पूरी कंसनट्रेशन को लगाना है और फिर अपने पढ़ाई में फोकस करना है ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं भटकता ध्यान भटक जाता है बार बार पर उसके बावजूद भी हम लोगों को वापस से अपना रिबूट का बटन दबा के फिर से अपने कंसंट्रेशन में आ जाना है तो यहीं से मैं सब कुछ ये सीखता गया तो इसकी मतलब मुझे ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदे तो अपनी स्टडी में हो क्योंकि मैं इस टाइम स्टडी में ही हूँ तो इसके फ़ायदे मुझे यहाँ पे हुए थोड़ा एग्रेशन था एग्रेशन भी थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हुआ ज़्यादा बोलना कम हुआ और अच्छी चीज़ें अपनी उसमें आ गई वैसे करते करते आज हमें यहाँ पे हो गए हैं पाँच साल पाँच साल के बाद हम लोगों को काफ़ी जगहों पे जाके मिला जैसे माउंट आबू गए माउंट आबू में भी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पे अच्छी अच्छी क्लासेस लगी बड़ी बड़ी दीदियाँ मिली और दो साल गया दो बार गया हूँ मैं माउंट आबू उसके बीच में लॉकडाउन भी आया था उसके बाद इस बार मेरे एग्ज़ाम्स थे और अभी भी जो भट्टी है भट्टी के टाइम पर मेरे एग्ज़ाम्स से तो वैसे करते अब हो गया अब इतना टाइम और मैं तो अपना कॉलेज टाइम पर भी स्टूडेंट्स को यही बताता रहता हूँ कि ज्ञान की महिमा क्या है कि किस तरह हम लोग मेडिटेशन करके ही अपने ध्यान को एकत्र करके आगे बढ़ सकते हैं और अपना फोकस बना सकते हैं किसी भी चीज़ को लेके ओम शांति